आज हम देख रहे हैं दो अंकों वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आंसर सही थे यहाँ पे आपको बता रहे हैं हम, इसको आप याद कर लें, बिल्कुल आपके 10 अंक पक्के हैं। और इसमें पहला प्रश्न है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसको हम सी प्लस ओ टू बराबर सी ओ टू इस समीकरण के द्वारा हम दे सकते हैं। इसके बाद व्योजन अभिक्रिया, व्योजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, व्योजन अभिक्रिया कहलाती है। CaOCO3 और CaO प्लस CO2, तो ये व्योजन अभिक्रिया है जिसमें अलग अलग बढ़ जाते हैं यौगिक। और इसके बाद तीसरे है परिभाषा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जन होती है उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है C6H12O6 C6O2। तो इसका समीकरण संतुलित समीकरण दिया गया है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा। इसके बाद है संक्षारण किसे कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया दोनों आप देख लेंगे। इसका संक्षारण से क्या समझते हो, तो वायुमंडल में गैसों की उपस्थिति में धातु के धीरे धीरे नष्ट होने की क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। लोहे में जंग लगना इसका उदाहरण है। और इसके रोकने को उपाय पेंट करके, ग्रीस लगाकर या जिंक की परत चढ़ाकर हम रोक सकते हैं। जंग क्या है, रासायनिक सूत्र लिखिए। तो जब लोहे को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो लोहे पर पूरे भूरे भूरे रंग की पपड़ी जम जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Fe2O3H2O है। विकृति गंधिता क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसे हम तेल एवं वर्षायुक्त खाद्य पदार्थ जब हवा के संपर्क में आते हैं तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण स्वाद एवं गंध में परिवर्तन होता है। इसको हम विकृति गंधिता कहते हैं। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्यों। तो मैग्नीशियम वायु को ऑक्सीजन से क्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, अतः मैग्नीशियम रिबन साफ किया जाता है। तो इसको हम Mg प्लस O2 2MgO के रूप में दर्शाते हैं समीकरण को। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएँ जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। इसके बाद है नौवां क्वेश्चन कि अम्ल एवं क्षार में अंतर। तो अम्ल स्वाद में खट्टे और क्षार कड़वे होते हैं। अम्ल की pH वैल्यू 7 से कम और क्षार की 7 से अधिक, 14 से कम होती है। और ये HCl एक अम्ल है और NaOH एक क्षार है। इसके बाद धावन सोडे का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो धावन सोडे को हम रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट नाम से जानते हैं, Na2CO3H2O। इसके उपयोग हैं कपड़े धोने में, जल का स्थायी कठोरता हटाने में। इसके बाद है अगला प्रश्न, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र लिखिए एवं दो उपयोग बताइए। तो इसका रासायनिक सूत्र सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, NaHCO3। दो उपयोग इससे खाद्य पदार्थ की पाव ब्रेड बनाने में और एंटा एसिड के रूप में होता है। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें लिखा है व्यंजक शून्य क्या है, रासायनिक नाम सूत्र उपयोग दीजिए। तो इसका व्यंजक शून्य का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2। दो उपयोग हैं जल को जीवाणु मुक्त बनाने में और लॉन्ड्री से कपड़े साफ कपड़ों के व्यंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, व्यंजक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका रासायनिक सूत्र लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप देख रहे हैं कि इसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र है CaOSO4 1.2H2O। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग होता है और मूर्तियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा क्या है, इसके कुप्रभाव लिखिए। तो नाइट्रिक ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा का निर्माण करते हैं, pH मान 5.6 से कम होता है। जलीय जीवधारियों को जीवित रखने में कठिनाई होती है, इसके कारण संगमरमर से बना ताज काला पड़ने लगा है। इसके बाद pH का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आमाशय HCl के स्त्रावण से भोजन का माध्यम अम्ली हो जाता है, जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। और pH परिवर्तन से दांत 6 समूह का, जो pH 5.5 से कम होने पर दांत का एनामल संचारित हो जाता है, तो भोजन के बाद दांतों को ब्रश से साफ करना चाहिए। इसके बाद है धातु एवं अधातु में अंतर। तो यहाँ पर धातु और अधातु में अंतर हैं भौतिक एवं रासायनिक गुण के आधार पे। तो धात्विक चमक
इसमें होती है, इसमें नहीं होती है, चालकता सुचालक है, कुचालक है, आवेश धातुएं धनायन बनाती है, ऋणायन बनाती हैं, और ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं। इसके बाद सक्रियता श्रेणी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातु को क्रियाशील को की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं कौन बताइए, तो सोना चांदी प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इसके बाद भर्जन से क्या समझते हैं, तो सल्फाइड डाइस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, प्रतिक्रिया भर्जन क्रिया कहलाती है। इसके बाद निस्तापन कैसे कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्स को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करना निस्तापन कहलाता है। इसके अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चूँकि सोडियम वायु एवं नमी के संपर्क में आकर स्वतः जलने लगता है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद एक क्रियात्मक समूह क्या है, क्रियात्मक समूह दो क्रियात्मक समूह के नाम, तो परमाणु एवं परमाणु को वह समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक की रासायनिक प्रकृति का निर्धारण करता है और क्रियात्मक समूह कहलाता है। दो क्रियात्मक समूह में कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं अल्कोहल। इसके बाद है सजातीय श्रेणी क्या है, तो सजातीय श्रेणी में आप देख रहे हैं अल्कोहल का सजातीय श्रेणी ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह में प्रतिस्थापित करता है, उसे सजातीय श्रेणी समजातीय श्रेणी कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसका उदाहरण CH3OH और मेथिल एल्कोहल मेथनॉल और C2H5OH एथिल एल्कोहल एथनॉल, तो ये समजातीय श्रेणी क्या है का आंसर हो गया। इसके बाद है अगला साबुन एवं उपमार्जक में अंतर, साबुन वसी अम्लों के सोडियम का और पोटेशियम लवण होते हैं और ये एल्किल या एरिल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। यह केवल मृदु जल में झागते हैं, यह केवल कठोर जल में मृदु एवं कठोर जल में झाग दोनों में देते हैं। इसके बाद मेंडेलीफ का आवर्त नियम क्या है, तो मेंडेलीफ का आवर्त नियम है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। उपयोगिता है इस सारणी से तत्वों से गुणों की तुलना कर सकते हैं और नए तत्वों की खोज में सहायक होते हैं। इसके बाद है आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो आधुनिक आवर्त नियम में इसका प्रतिपादन मोसले ने किया था। इसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम सारणी की जो विशेषताएँ हैं उसमें 7 आवर्त कुल 18 वर्ग और 118 तत्व हैं। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, इस्पात का नहीं। इस्पात गर्म जल में अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है जिससे टैंक में विस्फोट हो सकता है। इसके बाद है साबुन की स्वच्छीकरण की क्रियाविधि लिखिए, तो यहाँ पे लिखी हुई है जब हम साबुन या किसी भी अपमार्जक को साबुन पानी मिलाते हैं तो इसके अणु परस्पर एकत्रित होकर गुच्छों के रूप में धारण कर लेते हैं। इसके एक लंबा हाइड्रोजन कार्बन पुंज एक ऋणात्मक सिर होता है। सफाई क्रिया में हाइड्रोजन कार्बन पुंछे तेली गंदगी में चिपक जाती हैं और जब हम जल को हिलाते हैं तो तेली गंदगी ऊपर की ओर उठने का प्रयास करती है और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर हो जाती है। इस प्रकार दूसरे अपमार्जक अणुओं से पुंछों के तेल से चिपकने का अवसर प्रदान करता है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये डोबे राइनर का त्रिक नियम, तो एक समान गुणों वाली तीन तीन समूह के परमाणु भार के बढ़ने क्रम में व्यवस्थित किया जिन्हें डोबे राइनर त्रिक नियम कहा जाता है। डोबे राइनर के अनुसार बीच के तत्वों का परमाणु भारों का लगभग औसत होता है, इसे डोबे राइनर का त्रिक नियम कहते हैं। इसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कायिक परावर्धन क्या है, जब मनुष्य गति में रूप से पौधे के विभिन्न भागों के नवीन पौधे पैदा करता है तो इसे क्रिया को कायिक जनन कहते हैं। इसके बाद इसका उदाहरण है कलम लगाना। इसके बाद अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर, तो अलैंगिक जनन इसमें केवल एक जनक होता है, इसमें दो जनक होते हैं, इसमें युग्मक उत्पन्न नहीं होते, इसमें युग्मक उत्पन्न होते हैं, इसमें क्रिया में निषेचन नहीं होता और इसमें निषेचन होता है। तो ये अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर, ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप इनको 2 अंक के लिए तैयार कर लें, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए तथा मेरे चैनल मैथ्स विद साहिद अंसारी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।